करते हुए। हाँ बेटा, वैसे कह तो आप सही रहे हो, कह तो आप बहुत ही टट्टी बात है। मम्मा, आई एम सो डन विद दिस फोन नाउ, अब आप मुझे नया फोन लेके दीजिए। आपको पता है पूरा 1 month हो चुका है ये फोन यूज करते हुए। हाँ बेटा, वैसे कह तो आप सही रहो, पूरा 1 महीना हो गया आपने नया फोन नहीं लिया। वैसे भी आपको नया फोन आ गया जिसमें वो 3 कैमरा, आपको वही वाला चाहिए क्या? यस मम्मा। हाँ शर्मा जी की बेटी ने भी मुझे लगता है वही ले लिया, मैंने आज देखा था नीचे। और माँ नहीं देख सकती आपकी किसी से भी आप पीछे रहो, आपके पास सबसे टॉप और A1 की चीज होनी चाहिए। मैं आज ही पापा से बात करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आपको फोन की सख्त जरूरत है। मैं आज किटी से आ जाऊँ, फिर हम शाम को तुरंत आपका फोन लेने जाएंगे। ठीक है। नया फोन दिलवा के लाया, 2 साल से ये यूज कर रही हूँ, हैंग हो रहा है ये। ठीक है बेटा, फोन के चक्कर में दिमाग खराब हो गया। बेटा वो फ्रिज देख रही हो, नाना जी ने ना हमारी शादी में दिया, इतना बढ़िया चल रहा है, आज भी बढ़िया बर्फ चुपता है। तुम्हें हर महीने नया फोन चाहिए होता है, जब देखो नया फोन पूरे दिन इसी में लगी रहती हो, काम कुछ करना नहीं, यही पानी पी के ग्लास यही छोड़ना है, खाना खा के प्लेट यही छोड़नी है, बस इन मैडम को नया फोन मिलता है। मम्मा मेरा फोल्डर कहाँ रखा है? आपने कहा टेबल पे नहीं है वहाँ। अरे बेटा चकित केयरफुली मैंने वहीं पे रखा हुआ, आप ध्यान से देखिए। नहीं मिल रहा है मम्मा। बेटा आई हैव नॉट केप्ट इट एनीवेयर, आपकी चीजें मैंने वहीं पे रखी है आपके टेबल पे। गो चकित केयरफुली, आई नो आपको मिल जाएगा, गो बेटा गो। मम्मा मेरा फोल्डर कहाँ है? वहीं रखा होगा, ध्यान से देखो। कहाँ? अरे वही होगा तुम्हारे कमरे में, मैंने देखा था, ला ला के सारा सामान तो बाहर फेंक देती हो, मैं सब समेट के रखूं, देखो वही रखा है। मम्मा कहीं नहीं है। मैं आधे घंटे टीवी देखती हूँ, मुझे बस एक कसौटी जिंदगी की आती है आधे घंटे, उसमें भी तुम सबको इतनी परेशानी है, ध्यान से देखो वही टेबल पे रखा हुआ है। मम्मा नहीं है टेबल पे। अगर मैं आई और मुझे वो मिला ना तुम्हारा फोल्डर, इतना मार लगाऊंगी उस फोल्डर से ना घर से बाहर दिखाई दोगे, कभी फोल्डर भूल जाओगे अपनी जिंदगी में, दिमाग खराब करके रखा हुआ नहीं है, ध्यान से देखो तुम्हें कभी कोई चीज नहीं मिल पाती आज तक। हेलो आंटी, हाउ आर यू? हाय समर, आई एम फाइन, हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड। मम्मा कैसे हैं? बढ़िया आंटी। आंटी गोपाली से एक्चुअली गोवा की प्लानिंग करनी थी। ओह गोपाली ऊपर है, वैसे तुम लोग गोवा जा रहे हो? या वेरी गुड, डू एंजॉय, डू एंजॉय। आ जाओ आ जाओ, विल यू हैव कुकिंग टू? या श्योर आंटी, या श्योर, आई विल गेट इट। नमस्ते आंटी। नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ आंटी। गोपाली है स्कूल में, प्रोजेक्ट ही बनवाते, पढ़ाई खरी होती है कोई? होती है आंटी। नहीं गोपाली नहीं है, जाओ आंटी गोपाली से बात करनी थी। उसने तो पढ़ाई का छोड़ दी, वो तो सिर्फ आवारा गिरी करती है, तुम भी वही करने लग गई हो आजकल। वो नहीं है, वो उसके पापा का बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है, कल आना बेटा ठीक है? आंटी जरूरी काम था प्रोजेक्ट। हाँ तो फोन कर लेना उसको, मुझे पता है तुम्हारे बहुत प्रोजेक्ट के जरूरी काम, मेरी बेटी को बिगाड़ने आ जाते हैं। मम्मा मैं जा रही हूँ, मेरे एग्जाम है आज। ओह ऑल द बेस्ट बेटा, अपना 100% देना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है? अच्छे से करना, बाय, ऑल द बेस्ट। मम्मा मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे एग्जाम में मुझे लेट हो रहा है। अरे रुक रुक एक मिनट रुक, आज तेरे एग्जाम है ना, ये 2 इलायची के दाने ले, अरे पकड़ जल्दी, इन दोनों को अपने बगलों में दबा ले, वहां जाते ही इसे खा ले, एग्जाम में पास हो जाएगी। क्या बोल रहे हो? क्या मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे अरे रुक एक मिनट रुक, मैंने इसे YouTube पे देखा है, इसे देख तू फालतू नहीं YouTube देखना बंद करो। अरे फालतू का YouTube पे आती है, सचमुच होता है बेटा, बहुत लोगों ने देखा था। वो ले गई होती 2 इलायची के दाने, पास हो गई होती मैं, मां उसकी बुरा थोड़ी चाहूंगी उसका, आजकल के बच्चों को कौन समझाए, माता रानी पास करवा दे मेरी बेटी को। आ रही हूं मैं आज किट्टी में, आ रही हूं मां, यहां पे फोन कर दीजिए। ओह थैंक यू सो मच मम्मा, आई गॉट दिस गिफ्ट फॉर यू। ओह थैंक यू सो मच, दिस लुक्स सो प्रिटी, काफी लग्जूरियस लग रही है तो। ये ना मुझे तुम्हारे अंग्रेजों के चौचले ना मुझे नहीं देख रहा, ये सब क्या लेके आती रहती हूँ, ये क्या लाल नीला नीला लेके आती है, कितना महंगा आया होगा बेटा। क्या महंगा ली, तुम्हें तो पैसे की कदर है नहीं, जब खुद कमाओगे ना तब समझ में आएगा। गिफ्ट तो ले लो, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम्हें अगर मुझे कुछ गिफ्ट देनी होती ना तो अपना कमरा समेट के रखा करो, मेरे साथ थोड़ा काम करवा दिया करो, बस फालतू के पैसे बर्बाद करने के लिए। मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा ये महंगा सा गिफ्ट, इतनी महंगी चाहिए, पैसे की कदर है नहीं बढ़िया ही गिफ्ट देने, जब खुद कमाएंगी तब दे देना मुझे, पैसे बर्बाद करवाऊंगी मुझसे। ओके बाजी जल्दी आना। अरे नहीं बोल, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू बाजी, बाय।
अरे बेटा बुआ जी पैसे देके गई है, मुझे तो लगा बुआ जी चली गई है, आप लेंगे बुआ को बाहर। चलो अच्छा है, बहुत नाइस मनी है, डू एंजॉय। अरे इसमें पानी डालो, पानी लेके आओ। ओके बुआ जी जल्दी आना। नहीं बुआ जी, अरे रख ले रख ले। बाय बुआ जी, 100 रुपए देके गई है। और थोड़े पानी भी डालना, मगर कहां जा रही है? अरे बुआ जी 100 रुपए देके गई लागे तुझे। मुझे तो लगा तू स्कूल है तो तेरी बुआ नहीं देके जाएगी तुझे पैसे। तो मैं आपको क्यों दूं? हाँ तो उनके बेटे को लाने के तो 500 रुपए दिए। मैं क्या करूँ बुआ, तो मुझे देखे। हाँ तो मैंने दिए ना उनको, लाके 100 रुपए। ये 100 रुपए मेरे हुए। जा बढ़िया ही पैसे रखी थी। सारे पौधे सूख गए, ये नहीं कि पानी वानी डाल दे पौधे में। तुमने कल भी एक कप तोड़ा था, वो भी गलती से तोड़ा था, ये पूरा सेट खराब कर दिया तुमने। जानबूझ के नहीं किया। तुम कभी कुछ जानबूझ के नहीं करती। जितनी क्रॉकरी रखी ना मेहमानों के लिए, ये भी तोड़ दो गलती से। अब जाओ जल्दी इसको साफ करो। पानी से भी रखा किसने था? तुम ही रखती हो, तुम ही खाती है ना चीजें, प्लेट अपना सारा सामान वहीं छोड़ देती हो। मेरे ही समझ में आती, तुम स्टील के ग्लास में पानी क्यों नहीं पीती हो? तुम्हें कांच के ग्लास में शौक है इतना? जब झाड़ू लेके आओ, इसे साफ करो, किसी के पाँव में लग जाएगा अभी खून निकलेगा। काम करना है नहीं, बस फालतू का बढ़ाते रहना है। मम्मा आई एम नॉट फीलिंग वेल। मम्मा आई एम हैविंग हेडेक। अरे क्या हुआ बेटा आपको? अभी तक तो ठीक थे। फीवर बेटा। चलो बेटा मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की बीमारियों का कोई भरोसा नहीं है, है ना? Let's get your blood test done. चलो बेटा उठो उठो, इट्स फीवर, अभी ठीक हो जाएगा। आप एक महीने से लोगे, ठीक हो जाएगा। उठो चलो, लेट्स गो टू डॉक्टर। हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मा, मेरा सिर दुख रहा है। क्या लगा रखा है? अच्छा नहीं लग रहा है सिर दुख रहा है? हाँ तो अब एग्जाम आने वाली है, तो तुम्हें भी तो तबीयत खराब होने ही वाली है। ये तो तुम्हारा हर साल का हो रखा है, जब इसको चलाना हो तब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है। मम्मा तो सर इसी के कारण दुख रहा है बेटा। पूरे टाइम अगर तुम फोन में ऐसे ऐसे से लगे रहोगे तो आंखों पे उसका असर तो होगा ना। फोन पे जो जा जाते हो हर बात पे, आप ही तो बेटा पूरे टाइम फोन चलाते रहते हो। मम्मा मुझे डॉक्टर के लेके चलो। डॉक्टर के पास तो बिल्कुल मैं लेके नहीं आऊंगी। तुम डॉक्टर को दिखाती हो, दवा तुम पूरी खाती नहीं हो, दवा देख के तुम्हें उल्टी आ रही होती है, ये सिर्फ ड्रामे है फोन चलाने के। चलाओ बेटा तुम फोन, जब तक इसे नहीं छोड़ोगे कोई डॉक्टर तुम्हारी दवा नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। तुम चलाओ फोन यार। हाँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाने का कोई मतलब नहीं, चलाओ थोड़ा और फोन चलाओ, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। हेलो गाइज, कैसे हो? सब ठीक ठाक? और हमको कमेंट करके बता देना ये वीडियो कैसा लगा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और मुझे कमेंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा रिलेटेबल क्या था इसमें से। सो यार मैं मिलूंगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।